गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जुरिस प्रेप क्लासेस। हम आज शुरू करने जा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज सीपीसी। Before introducing you, what is CPC, what is Code of Civil Procedure, let me tell you some things, few things. Laws, as you already know, can be divided into two groups. Substantive law and procedural law, or we call adjective law. Or we call it procedural law. Substantive law and procedural law. The function of substantive law is to define rights and liabilities. Or status. सब्सटेंटिव लॉ का फंक्शन क्या है, काम क्या है, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, कन्फर करते हैं। क्या कन्फर करते हैं? राइट्स, लायबिलिटीज, स्टेटस, लीगल स्टेटस कह लो, लीगल राइट्स कह लो। ये जो है राइट्स एंड लायबिलिटीज जो है पार्टीज की, व्यक्तियों की, ये बताते हैं। एडजेक्टिव लॉ क्या है? ये जो राइट्स, लायबिलिटीज एंड स्टेटस है, इनको प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, इन्हें प्रोसीजर क्या होगा, मशीनरी क्या होगी इनको एनफोर्स करने के लिए। करने के लिए प्रैक्टिस प्रोसीजर एडजेक्टिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करने के लिए क्या है? प्रोसीजरल लॉ, और वी कॉल इट एडजेक्टिव लॉ।
जो सब्सटेंटिव लॉ हैं, इनकी एफिकेसी जो है वो डिपेंड करती है ऑन सब्सटेंटिव लॉज। कितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, कितने ज्यादा बढ़िए होंगे, कितने ज्यादा अच्छे तरीके से कोई स्टेट राइट्स लायबिलिटीज या स्टेटस किसी को प्रोवाइड कर सकती है, किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना बढ़िया प्रोसीजरल लॉ होगा, कितना अच्छा प्रोसीजरल लॉ होगा। तो फिर प्रोसीजरल लॉ कैसा होना चाहिए? ये सिंपल होना चाहिए। स्पीडी होना चाहिए। स्पीडी मीन्स जल्दी से जल्दी आपको राइट्स लायबिलिटीज और स्टेटस वगैरह कोर्ट से मिले। कॉस्ट इफेक्टिव, इन एक्सपेंसिव होना चाहिए। सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए, एक्सपीडिशियस होना चाहिए, इन एक्सपेंसिव होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए। सिविल प्रोसीजर कोड को सिंपल बनाने की एफर्ट्स होती रही हैं, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिशें होती रही हैं, इसे और ज्यादा इनएक्सपेंसिव बनाने की कोशिश होती रही है। स्टेट का बेसिक फंक्शन क्या है? लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, कम समय में, कम पैसों में और सिंपल तरीके से। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ को एड करता है। ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रोसीजर लॉ ही है जो इसे लाइफ डाल देता है, इसके अंदर जान डाल देता है सब्सटेंटिव लॉ से। सब्सटेंटिव लॉ इट्सेल्फ कुछ भी नहीं होंगे अगर उसको लागू कैसे करना है इसका कोई प्रोसीजर नहीं होगा। सब्सटेंटिव लॉ जो है, इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये एग्जाम्पल्स हैं सब्सटेंटिव लॉ की। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द इंडस्ट्रियल एक्ट, द इंडियन पिनल कोड। ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं सब्सटेंटिव लॉ की। प्रोसीजरल लॉ की जो है एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं?
द इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? प्रोसीजरल लॉ है. और कौन कौन से प्रोसीजरल लॉ हैं? द लिमिटेशन एक्ट. द लिमिटेशन एक्ट, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. ये भी क्या है? एडजेक्टिव लॉ है. सीपीसी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ये एग्जांपल्स हैं प्रोसीजर लॉ के. फिर सिविल प्रोसीजर क्या हुआ, किस कैटेगरी में आएगा? प्रोसीजरल लॉ में, एडजेक्टिव लॉ में. ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये एडजेक्टिव लॉ है. सीपीसी ना तो कोई राइट क्रिएट करता है और ना ही किसी को कोई राइट देता है. It neither creates nor takes away any right. Honorable Supreme Court ने भी एक केस में कहा है कि ये ना तो किसी का राइट लेता है ना किसी को राइट देता है. सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल्ला हसन, AIR 1998 Supreme Court 1624 पेज पर. सैयद मोहम्मद वर्सेस अब्दुल्ला हसन, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सिविल प्रोसीजर कोड में के बारे में, प्रोसीजरल लॉ के बारे में? अ प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज इन एड ऑफ जस्टिस. ये जस्टिस की को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, एड करता है. क्या करता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये मदद करता है, एड करता है, जस्टिस प्रोवाइड करता है. और ये इन कंट्राडिक्शन नहीं है, या किसी राइट को या किसी लायबिलिटी को डिफीट करने के लिए नहीं है. ना तो ये राइट क्रिएट करता है, ना ये लायबिलिटी को क्रिएट करता है, ना ही ये किसी स्टेटस को कन्फर करता है. ये हमेशा ही हेल्प करता है सब्सटेंटिव लॉ के. इसी तरह से जो है
सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल्ला हसन ईयर 1998 इस केस में। सिविल प्रोसीजर कोड की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री से आपको डर लगता है, इसलिए मैं ज्यादा हिस्ट्री नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री का पता हो तो सब्जेक्ट को समझने में आसानी रहती है। 1859 इसकी हिस्ट्री कब से शुरू होती है, सिविल प्रोसीजर कोड की 1859 से। पहले इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं था। इससे पहले क्या था, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का सिस्टम चलते थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में इंडिया में अलग अलग सिस्टम चलते थे प्रोसीजर पे। जो सबसे पहला प्रोसीजर जो है सिविल का, सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, वो 1859 में आया। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के हेड जो हैं वो थे मिस्टर जॉन रोमिले। इस कमेटी के हेड कौन थे, मिस्टर जॉन रोमिले। इस कमेटी के हेड थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम 1859 में इसको ड्राफ्ट किया, जिस कमेटी ने। उसके बाद जो है बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई। ये वाला जो एक्ट था 1859 का, ऑल ओवर इंडिया में ये भी एप्लीकेबल नहीं था। ये भी जो है, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन कौन से थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और जो है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स थी, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं था। इसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स की गई, और जो हम आज वाला जो सीपीसी देखते हैं वो कब आया, 1908 में। जो प्रेजेंट वाला जो है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, ये 1908 में आया। इस कमेटी के जो हेड थे वो थे सर अर्ली रिचर्डसन। जिन्होंने ये 1908 वाला जो है ड्राफ्ट किया, उस कमेटी के जो हेड थे वो थे सर अर्ली रिचर्ड्स। रिचर्ड्स, नाउ इट्स नॉट रिचर्डसन, इट्स रिचर्ड्स। इसके बाद इसमें और अमेंडमेंट्स होती रही। कौन कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुई है, 1951 में जो मेजर अमेंडमेंट्स हुई है उनकी बात मैं कर रहा हूं।
1999 और 2002 में ये भी अमेंडमेंट्स होती रही। इन अमेंडमेंट्स को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन सारे अमेंडमेंट्स जो हैं, ये सारी अमेंडमेंट्स हैं, इनका एक ही पर्पस था। क्या पर्पस था? प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। प्रोसीजर को जब भी हमें सिंपल करने की जरूरत पड़ी तो क्या है हमने, इट्स 1956 आई थिंक, प्रोसीजर को जब भी हमने अमेंड करने को सोचा तो हमने क्या चीजें ध्यान में रखी? हमने तीन चीजें ध्यान में रखी, इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे और जल्दी स्पीडिफाई करने के लिए, इसे आम गरीब लोगों की पहुंच में पहुंचाने के लिए, ताकि जो है वो आम लोगों को इनएक्सपेंसिव हो, ये एक्सपेंसिव ना हो। लोगों को कॉस्टली ना लगे। अगर इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपको सारी अमेंडमेंट्स का ध्यान रहेगा। अब आप मुझे पूछोगे ये कोड क्यों कहते हैं इसे? अगर हम सीपीसी का प्रीएम्बल देखें तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ सिविल जुडिकेचर। कंसोलिडेशन करने के लिए एंड कोडिफिकेशन करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन मींस अलग अलग जगह पर ला पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, उनको कलेक्ट कर लो, कंसोलिडेट कर लो एक जगह पर। जितने भी सिविल प्रोसीजर के ला हैं उन्हें क्या करो, कलेक्ट कर लो अलग अलग जगह से और एक जगह पर इकट्ठे कर लो और उनकी कोडिफिकेशन कर दो। कोडिफिकेशन मींस उनको सेक्शन वाइज आप फिट कर दो। कंसोलिडेशन क्या मतलब है? सारे जितने भी लॉ हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर उन्हें एक जगह पर इकट्ठे लगाकर उन्हें इस ऑर्डर में लगा दो कि वो यूजफुल कोड बन जाए। देन इट बिकम्स अ कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऐसे कर। अब आप पूछोगे जब सब्सटेंटिव लॉ हैं तो ये प्रोसीजर बनाने की क्या जरूरत है? प्रोसीजर को किन चीजों के बारे में ध्यान में रख के, किन चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है? ये तीन चीजें तो हैं, सिंपल होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, और एक बात जरूरी है, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कभी आपने देखा है कि मां अपने बच्चे को मारती है? कब मारती है? जब वो कोई चीज तोड़ देता है। बच्चा 6 महीने का है, 7 महीने का है, मां को पता है कि बच्चा बोल नहीं सकता,
फिर भी उसे पूछती है, बता क्यों तूने क्यों तोड़ा, बता तूने क्यों तोड़ा। उसे पता ये बोलता नहीं है, लेकिन वो फिर भी पूछती है, बता तूने क्यों तोड़ा। नेचुरल जस्टिस, बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग की, दूसरे व्यक्ति को पूछा जाए। मां भी करती है, और बाइबल में भी एक स्टोरी आती है। बाइबल में क्या था, गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन में क्या हुआ, गार्डन ऑफ ईडन में गॉड ने जो है एडम और ईव को, एडम एंड ईव, एडम एंड ईव को अपॉर्चुनिटी दी एक्सप्लेन करने की कि उन्होंने प्रोहिबिटेड जो फ्रूट था उसे क्यों खाया। व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो नेचुरल जस्टिस। गॉड ने तब तक उन्हें पनिश नहीं किया जब तक एडम और ईव को अपॉर्चुनिटी दी टू शो कॉज कि उन्होंने प्रोहिबिटेड फ्रूट को क्यों खाया। दिस इज बैकग्राउंड ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब जो है नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। ये अप्लाई कहां कहां पर होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। एक्सटेंट, और ये अप्लाई कहां कहां पर होता है, ये एक्सटेंट होता है टू होल ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ नागालैंड, और कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर सीपीसी जो है वो लागू नहीं होती। सीपीसी कहां कहां पर लागू है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जेएनके को छोड़ के, नागालैंड को छोड़ के, ट्राइबल एरियाज को छोड़ के, बाकी सभी जगह पर ये एप्लीकेबल है। ये एक्सटेंड सभी जगह पर अप्लाई होती है। नंबर टू, स्कोप। अगर आप मुझे पूछो कि क्या सीपीसी में सभी चीजें हैं जो हमें चाहिए प्रोसीजर के लिए, क्या ये एग्जॉस्टिव है, तो मेरा आंसर होगा सीपीसी एग्जॉस्टिव है ऑन द मैटर्स जिनके साथ सीपीसी स्पेसिफिकली डील करता है। जिन टॉपिक्स के साथ सीपीसी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली डील नहीं करता उन मैटर्स पर एग्जॉस्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन है,
लेजिस्लेचर जब सीपीसी बना रहा था, जब कोई व्यक्ति ड्राफ्ट करेगा सीपीसी, वो क्या करेगा, सोचेगा कि ये चीजें होंगी, इनका ये सलूशन होगा, ये प्रोसीजर होगा। पहले व्यक्ति सूट फाइल करेगा, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद इंस्पेक्शन होगी डॉक्यूमेंट्स की, कुछ व्यक्ति एडमिट करेगा, कुछ फैक्ट्स को एडमिट नहीं करेगा, उसके बाद एविडेंस आएगा, एविडेंस के बाद आर्गुमेंट्स होंगे, आर्गुमेंट्स के बाद जजमेंट आएगी, जजमेंट के बाद एग्जीक्यूशन होगी। अगर डिग्री को किसी व्यक्ति ने नहीं माना तो अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी, फिर सेकंड अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट को अपील जाएगी। यही तो है सीपीसी। लेकिन ड्राफ्ट करते समय ये सारी चीजें सोच ली कि हमें ये चीजें की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हम सभी चीजें सोच सकते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी? नहीं। इसलिए कुछ चीजें रह जाती हैं। लेजिस्लेचर इनकेपेबल होता है सारी सिचुएशंस को जानने के लिए, तो कुछ चीजें रह जाती हैं। तो फिर लेजिस्लेचर ने क्या किया, एक जनरल सेक्शन डाल दिया, सेक्शन 151 सीपीसी। और भी है इनहेरेंट पावर्स में, लेकिन मेनली जो डील करता है वो है सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स ऑफ को कोर्ट को दी गई है। किस बात के लिए? टू प्रोवाइड जस्टिस। अगर जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस की जरूरत है तो अप्लाई होंगी। अगर स्पेसिफिकली कोई चीज नहीं प्रोवाइड की गई है सीपीसी में, अगर तो स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर देगी फिर तो प्रोसीजर ही लगेगा, एज पर प्रोसीजर कोड प्रोसीजर ही फॉलो करेगी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली नहीं बताया गया तो सेक्शन 151 में बताया गया कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं जो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, कोई अब्यूज ऑफ प्रोसेस करना चाहता है तो उसे रोकने के लिए। Nothing in this court shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court, court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. Section 150. थर्ड जो है, अगर आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं सीपीसी को कि सीपीसी क्या कहती है, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखोगे। अगर आप सीपीसी का मीनिंग देखना चाहते हैं, इसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन, तो एक बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। किस बात का? मैंने लेक्चर शुरू किया है सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, मैंने 10 मिनट इसी बात पर लगा दिए। क्यों? रीजन है, ये बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ प्रोसीजर है, ये किसी को राइट प्रोवाइड नहीं करता, ये किसी से कोई राइट लायबिलिटी को छीनता नहीं, प्रोसीजर ही तो है, तो इसे हम इस बात को ध्यान रख के इंटरप्रिटेशन करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो है राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी, मेरे ख्याल से 1972 सुप्रीम कोर्ट है, AIR, राज नारायण वर्सेस
गांधी, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट, पेज है इसका 1302। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द रूल्स ऑफ प्लीडिंग आर इंटेंडेड एज एड फॉर ए फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल होना चाहिए, जो भी रूल्स हैं प्लीडिंग के उनके पीछे इंटेंशन क्या है कि ये फेयर ट्रायल में मदद करें। फेयर ट्रायल मीन्स हर व्यक्ति को मौका मिले, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जस्ट डिसीजन आएगा। एन एक्शन एट लास्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड टू ए गेम ऑफ चेस। ये कोई सीपीसी कोई चेस की गेम नहीं है। आप एडवोकेट हो, आप डिफेंडेंट हो, डिफेंडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप चुप करके बैठे रहते हो, प्लेंटिफ क्या कर रहा है, कौन सी चाले चल रहा है, कौन सी चाले नहीं चल रहा, आप भी अपनी चलते रहते हो। जब देखा इसने ये चाल सही नहीं चले, क्या आप शय और मात दे सकते हो? नहीं, ये कोई चेस की गेम नहीं है। अगर आप कहो कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो है ही नहीं, चुप करके बैठे रहो, लास्ट में जब आर्गुमेंट आए, सर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, पेकनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए सूट डिसमिस कर दो, नो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो फर्स्ट इंस्टांस में ऑब्जेक्शन लोगे। सीपीसी के बेस के ऊपर आप किसी को डिफीट नहीं कर सकते, ये कोई चेस की गेम नहीं है। द प्रोविजंस ऑफ लॉ आर नॉट मेयर फार्मूले, ये कोई फार्मूले नहीं है, 1+1=2 या कोई रिचुअल्स नहीं है जिसे हमें ऑब्जर्व करना है। हर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं सीपीसी के नीचे, उनके नीचे एक ही प्रिंसिपल है, वो क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू असर्टेन कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, और फिर इन चीजों को देखकर उसने इसको इंटरप्रेट कर रहा है। सीपीसी की प्रोविजन देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोसीजर तो ही है, कोई राइट तो नहीं डिफीट होगा, प्रोसीजर के बेस के ऊपर कोई राइट लायबिलिटी या स्टेटस डिफीट नहीं हो सकता। व्हाट आई वांट टू से, इसी तरह से घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया वाले केस में AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट, उस केस में क्या हुआ, घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1004 पेज नंबर। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, अवर लॉ ऑफ प्रोसीजर जो है, हमारे जो प्रोसीजर के लॉज हैं किस चीज पे बेस्ड है, ऑन द प्रिंसिपल एज फार एज पॉसिबल, नो प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ शुड बी अलाउड टू डिफीट ए मेयर टेक्निकलिटीज। मेयर टेक्निकलिटीज के बेसिस पर किसी भी प्रोसीडिंग को डिफीट नहीं किया जा सकता, टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं। मान लो किसी ने एफिडेविट नहीं फाइल किया तो क्या हो गया, बाद में फाइल कर लो,
लेकिन आजकल जो नई अमेंडमेंट्स हैं उसमें कुछ चीजों को मैंडेटरी बनाया गया है 1999 और 2002 वाले में, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको फाइल करने की लिमिटेशन फाइल दे दी, एवरेज लीड करने के लिए 3 से ज्यादा मापे नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकल बेसिस पर किसी का सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाए। द प्रोविजन ऑफ द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मस्ट बी इंटरप्रेटेड, इस तरीके से इन्हें इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। वो जो है जस्टिस को एडवांस करे। इसी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस था गणेश ट्रेडिंग, गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजीराम, गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजीराम, इसमें भी कोर्ट ने यही कहा कि हाइपर टेक्निकल व्यू नहीं लेना चाहिए जब भी प्रोसीजरल लॉ को हमने इंटरप्रेट करना। जो नेक्स्ट है टॉपिक है इंट्रोडक्शन में वो क्या है कि जो सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड है इसकी स्कीम क्या है। स्कीम ऑफ कोड ऑफ कोड क्या है? सीपीसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है सेक्शंस आते हैं, दूसरे पार्ट में क्या आता है ऑर्डर्स। सेक्शंस जो हैं इनमें मेन प्रिंसिपल्स हैं, ये जो मेन प्रिंसिपल्स हैं इनका डिटेल्ड प्रोसीजर जो है वो कहां पर है ऑर्डर्स। सीपीसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में क्या है सेक्शंस है, पार्ट टू में क्या है ऑर्डर्स है। जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, जो ऑर्डर्स हैं इन प्रिंसिपल्स को किस प्रोसीजर के साथ लागू करना है, क्या डिटेल्ड प्रोसीजर क्या होगा वो क्या है ऑर्डर्स वाले पार्ट में। सेक्शंस जो है अगर इन्हें चेंज करना है तो लेजिस्लेचर ही चेंज कर सकता है। अगर प्रोसीजर को चेंज करना है तो हाई कोर्ट भी चेंज कर सकती है।
सीपीसी में ही बताया गया है, सेक्शन 122 हाई कोर्ट को जो है ऑर्डर एंड प्रोसीजर्स को अमेंड करने की पावर देता है। जो सेक्शंस जो हैं ये कितने हैं, 158 सीपीसी में कितने सेक्शंस हैं टोटल, 158 और जो है शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल जो है ऑर्डर्स जो है किस में आते हैं, शेड्यूल में आते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में। इसमें 51 जो है ऑर्डर्स है। फर्स्ट शेड्यूल ये फंडामेंटल हैं, सेक्शंस फंडामेंटल है, इनको हाई कोर्ट्स अमेंड नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। ऑर्डर्स को हाई कोर्ट भी चेंज कर सकती है, ऑर्डर्स एंड रूल्स को, इनको सिर्फ लेजिस्लेचर ही अमेंड करेगा। हाई कोर्ट के पास पावर जो है वो है सेक्शन 125 से लेके 131 तक जो सारे सेक्शंस हैं ये डील करते हैं, इनको अमेंड करने के लिए पावर्स दी गई है। लेकिन जो सेक्शंस हैं और ये ऑर्डर्स हैं इनको इकट्ठे पढ़ना है और हार्मोनियसली इनको देखना है, इकट्ठे देखना है इनको, जो ऑर्डर्स हैं उनके साथ सेक्शंस भी देखो। एक तो आपको सीपीसी छोटी लगेगी और बेटर समझ आएगी और आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी, उसका डिटेल प्रोसीजर आपको समझ आएगा। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है ऑर्डर्स में और सेक्शंस में, इनकंसिस्टेंसी मींस ऑर्डर कुछ कहता है सेक्शंस कुछ कहते हैं, तो सेक्शंस जो हैं ये प्रवेल करेंगे क्योंकि ये लेजिस्लेचर ने बनाया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1859 से। इससे पहले जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के सिविल प्रोसीजर चलते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा एक लॉ बनाया गया जो कि यूनिफॉर्मली सारे इंडिया में एप्लीकेबल था, एक्सेप्ट 3 जेल छोड़कर। 1859 वाला जो है कमेटी जो है जिसने ड्राफ्ट की थी वो थे मिस्टर जॉन ब्रोमली। जो हम प्रेजेंट पढ़ते हैं सीपीसी ये 1908 में आई। इस जो कमेटी की जो हेड थे वो थे सर आर्ली रिचर्ड्स। सीपीसी का नेचर क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ है। कैसे ये प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर वर्ड इटसेल्फ बताता है, ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। ये कहां पर एप्लीकेबल है, ये होल ऑफ इंडिया में, सारे इंडिया में एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, नागालैंड को छोड़कर, कुछ ट्राइबल एरियाज है उनको छोड़कर, बाकी सभी इंडिया में ये एप्लीकेबल है। सीपीसी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में सेक्शंस आते हैं जो कि मेन प्रिंसिपल्स हैं, जिनकी संख्या 158 है, और पार्ट टू में ऑर्डर्स आते हैं, प्रोसीजर आता है, इन मेन प्रिंसिपल्स को कैसे, डिटेल प्रोसीजर है इन मेन प्रिंसिपल्स का, वो ऑर्डर्स में है।
इनको इनको जो ऑर्डर्स को कौन अमेंड कर सकता है? हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है। ऑर्डर्स कितने हैं? 51। जिन जिन बातों से ये सीपीसी स्पेसिफिकली डील करता है वो एग्जॉस्टिव है। जिन बातों से सीपीसी नहीं डील करता वो एग्जॉस्टिव नहीं है। उनके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है 151, जो बातें रह गई कोर्ट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकने के लिए। 151 सीपीसी के नीचे कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं इसे जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ये है सारा हमारा सीपीसी की जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम सीपीसी को डिटेल में सेक्शन बाय सेक्शन हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू जेंटलमैन।